welcome to the lecture number four of hydrocarbons. In this lecture we will discuss about preparation of alkanes. Earlier we have discussed about one to eight reactions and today we will discuss next four reactions. Uh, our first reaction will be reduction of alkyl halides to form alkanes, decarboxylation, calledbs electrolytic reaction, and from beryllium and aluminium carbide these two reactions are very very important all are important but these two are very very important these are uh, um, basically from carboxylic how you form alkane from carboxylic acids carboxylic acids so let's start with the first our uh, today's first reaction that is reduction of alkyl halides so in this reaction you should know this is alkyl halide rx rx form r h how basically in the presence of zinc and an acid weak acid or strong acid zinc and noh or और यू कैन यूज़ जिंक कॉपर कपल एंड एल्कोहल तो आप इन तीनों तीनों कंडीशन uh, में से कोई भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं और आपको अल्काईलाइड से सेम कार्बन एटम्स का एल्केन मिल जाएगा और साथ में एच एक्स मिल जाएगा ठीक है लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल सी एच थ्री सी एल प्लस जेड एन प्लस एच दिस कंडीशन अराइजिज वन यू चूज जिंक एंड सी एच थ्री सी ओ एच और एच सी एल सो इन दिस केस यू विल गेट सी एच फोर सी एच फोर प्लस जेड एंड टू प्लस प्लस सी एल नेगेटिव और सी एच थ्री सी एच टू सी एल अगर हमने नैक्स्ट एक और लिया एग्जाम्पल यहाँ पर भी आप ऐसा कर सकते हैं तो यहाँ बनेगा सी एच थ्री सी एच थ्री प्लस जेड एन टू प्लस प्लस क्लोराइड एन सिमिलरली आप कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं सी एच थ्री सी एच टू सी एच बी आर सी एच थ्री प्लस टू जेड एन प्लस एच पॉजिटिव गिव्स टू मोल्स ऑफ सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री प्लस जेड एन बी आर टू तो आप इनको आयंस में ले लीजिए अगर आप इनको बैलेंस करते हैं रिएक्शंस को तो हमारे पास कुछ ऐसी रिएक्शन आ जाती है कंप्लीट ये कि ये रिएक्शन है बैलेंस्ड ठीक है ये थी हमारी रिडक्शन ऑफ अल्काइल हलाइट्स अब इनके अंदर एक चीज़ नोट आपने करनी है नॉर्मली आप क्या सोचते हो कि रिडक्शन के अंदर ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन होगी ठीक है ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन होती है लेकिन आपको ये भूल गया होगा कि रिडक्शन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन ऑल्सो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन की भी ट्रांसफ़र होती है ये भी कंडीशन होती है तो बेसिकली जब आप जिंक इन प्रेजेंस ऑफ सी एच थ्री सी ओ एच और एच सी एल यूज़ करें या आप करें जिंक कॉपर कॉपल एंड सी एच थ्री ओ एच डैट मीन्स कोई आप एल्कोहल यूज़ कर रहे हैं उस केस के अंदर इन केस में ट्रांसफ़र ऑफ़ रिडक्शन अक्र्स बाय ट्रांसफ़र ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और जब आप जिंक के साथ एन एच को लेके चलते हैं यहाँ पर बाय रिडक्शन टेक्स बाय ट्रांसफ़र ऑफ़ नेसेंट हाइड्रोजन नेसेंट हाइड्रोजन मीन्स लाइक दिस ठीक है तो अब आप देखो जिंक आयन बेसिकली किस में चेंज होता है जेड टू प्लस और टू इलेक्ट्रॉन्स में आर एक्स के साथ जब ये रिएक्ट करता है इलेक्ट्रॉन तो आपको देगा आर रेडिकल प्लस एक्स नेगेटिव अब ये आर रेडिकल इलेक्ट्रॉन के साथ मिल के टू इलेक्ट्रॉन्स एंड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जब ये एच पॉजिटिव आयन के साथ ट्रीट होगा तो आर एच बन जाएगा और अगर ये किसी अल्कोहल के साथ है, अगर ट्रीट करते हैं हम इसको तब भी आर एच प्लस सी टू एच फाइव ओ नेगेटिव बन जाएगा ठीक है ये रिएक्शन हमारे पास हो जाएगी और अगर आप यही रिएक्शन जिंक एन के साथ करते हैं तो जिंक प्लस टू मोल्स ऑफ एन गिव्स एन ए टू जेड एन O2 plus 2H nascent hydrogen Rx will react with the nascent hydrogens to give Rh plus x negative. That's it. This is the reaction uh, by reduction of alkyl halides, these two, and also you can use for reduction lithium aluminium hydride or you can use sodium. बोरोहाइड्राइड और ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड तो इनके साथ ऐसा क्या होता है अगर आप आर एक्स लेते हो और एच पोज अब इनसे क्या निकलेगा हाइड्राइड आयन आएगा ठीक है ये हाइड्राइड आयन आ कर क्या करेगा आर एच बना लेगा और एक्स नेगेटिव को बाहर कर देगा तो आपको पता है फर्स्ट प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अगर मैं लिथियम एलुमिनियम हाइड्राइड की बात करूँ एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड की बात करूँ और ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइट की बात करूँ इन तीनों की बात करती हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइट बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी के केस में आपको एल्केन्स दे देगा ठीक है प्राइमरी आर एक्स से आपको क्या मिलेगा एल्केन मिल जाएगा सिमिलरली सेकेंडरी आर एक्स और यहाँ पर ट्रशियम और सेकेंडरी से भी आपको एल्केन्स दे देगा लेकिन टर्शरी के साथ वो आपको क्या देगा एल्कीन क्योंकि यहाँ पर वो क्या करेगा अंडरगो डीहाइड्रो डी हेलोजिनेशन हेलोजिनेशन ठीक है अब अगर बात करें सोडियम बोरोहाइड्राइड की तो वो प्राइमरी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता सेकेंडरी और टर्शरी के साथ वो एल्केन्स दे देता है और अगर ट्राइफिनाइल ट्राइफिनाइल तीन हेलाइट की बात करें तो वो प्राइमरी सेकेंडरी एज़ वेल एज़ टर्शरी के साथ भी आपको एल्केन दे देगा ठीक है और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपको पता होनी चाहिए प्राइमरी की सबसे ज़्यादा है फिर सेकेंडरी और टर्शरी की दिस इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ आर एक्स ठीक है तो ये हमारी आज की रिएक्शन थी फर्स्ट रिएक्शन अब आज की जो सेकंड रिएक्शन है वो है डी कार्बोक्सीलेशन डी कार्बोक्सीलेशन तो बेसिकली डी कार्बोक्सीलेशन में होगा क्या आप लोगे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट लिया ये एक्चुअल में बनेगा कैसे जब आप सी एस थ्री सी ओ एच के साथ एन ए टू ओ और सी ए ओ की रिएक्शन करवाते हैं और हीट कर देते हैं तो आपको सी एच फोर मिलेगा और साथ में एन ए टू सी ओ थ्री मिल जाएगा ये हमें मिथेन मिल गया और एलकेन फ्रोम सॉरी यहाँ पर आएगा एन ए फ्रोम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड तो ये रिएक्शन होगी बेसिकली बट मैंने अभी आपको क्या बताना था सी एच थ्री सी ओ ओ एन ए कैसे मिला सिंपल है आप एसिड लीजिए और उसको सोडियम के साथ ट्रीट कीजिए सी एच थ्री सी ओ ओ एन ए आपको मिल जाएगा और एच हमारा बाहर चला जाएगा ठीक है तो ऐसे ये रिएक्शन होती है सिंपल सी रिएक्शन है तो अब आप देखिए ये जर्नल रिएक्शन आप ये ले सकते हो सी आर सी ओ नेगेटिव ये आर सी ओ नेगेटिव और ये पॉजिटिव इन प्रेजेंस ऑफ एन ए टू ओ एंड सी हीट आर एच प्लस एन ए टू सी ओ थ्री ये रिएक्शन है अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए फंक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इसका फंक्शन क्या क्यों हम यूज़ करें आप ये देखो एन ए टू सी ओ थ्री का ये तो यूज़ हुआ है एन ए टू ओ का लेकिन सी ए ओ का कोई भी यहाँ पर विजूअल यूज़ नहीं है तो इसका क्यों यूज़ है क्योंकि ये कीप्स दी सिस्टम एनहाइड्रस ये बेसिकली पूरे सिस्टम को एन हाइड्रस रखते हैं ठीक है जिससे और अच्छे से डिकार्बोक्सीशन कार, हो सके और इफ़ेक्टिव डिकार्बोक्सीशन हो सके ठीक है तो ये फंक्शन हैं सी के नाउ इट्स ए टाइम टू लर्न अबाउट कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन यहां पर भी आप क्या लोगे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आप यहाँ क्या करोगे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे इलेक्ट्रोलिसिस कर दोगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे देखो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना इलेक्ट्रोलिसिस लिखने में उसमें क्या फ़र्क होता है इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी है लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है आप इसको तोड़ रहे हो विद दी हेल्प ऑफ इलेक्ट्रो फ्र इलेक्ट्रिसिटी लिसिस का मीन हो मीन होता है ब्रेक करना कि आप इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से आप इसको सी एस थ्री सी ओ नेगेटिव को सी एस थ्री सी ओ ओ एन ए को तोड़ रहे हो तो ऐसा करने से क्या होता है आपको पता है आर सी ओ ओ नेगेटिव मिलेगा और एन ए पॉजिटिव मिलेगा नेगेटिव वाला पार्ट एनोड पे चला जाता है एन ए पॉजिटिव वाला पार्ट कैथोड पे पहुंच जाता है अब आपको पता है कि एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन होती है आर सी ओ ओ नेगेटिव टूट के क्या देगा आर सी ओ ओ रेडिकल प्लस इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर क्या हुई ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन निकला ऑक्सीडेशन हुई अब जो रेडिकल हमारे पास बना था ये फर्दर ब्रेक होगा आर रेडिकल में और सी ओ टू निकल जाएगी और दो आर रेडिकल आपस में मिलकर हमें एक एल्केन दे देंगे ठीक है अब इस रिएक्शन को हमने क्या नाम दिया था कोल्ब इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन ठीक है हमने क्या किया इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की और हमें प्रोडक्ट्स चलो मिल गए एल्केन मिला था एट लास्ट आर आर अब आप देखिए यहाँ पर हमने एक आर लिया था और यहाँ पर हमें टू आर मिल गए तो आप जो भी यहाँ पर आर लोगे ठीक है उसका डबल मिल जाएगा ठीक है ये आपको ध्यान में रखना है और अगर आपको फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ जाता है वट हैपन्स वैन सोडियम एसीटेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड आपको नहीं बताया जाता कि किल्ब है बट आपको बोल दिया कि सोडियम एसिडेट को आपने इलेक्ट्रोलाइज करना है तो क्या होगा आपको पता है सोडियम एसिटेट होता है सी एस थ्री सी ओ एन ए आपने इसमें इलेक्ट्रोलिसिस किया क्या मिलेगा सी थ्री सी ओ ओ नेगेटिव प्लस एन ए पॉजिटिव ये जाएगा हमारे कैथोड पे और ये हमारे कहाँ जाएगा एनोड पे तो सी एच थ्री सी ओ ओ नेगेटिव एनोड पे क्या होगा ये रेडिकल में चेंज हो जाएगा प्लस इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ये हमारा ऑक्सीडेशन स्टेप हो गया फिर सी एच थ्री सी ओ ओ रेडिकल जो है वो सी एच थ्री रेडिकल में चेंज होगा और अब कोशिश करिए रेडिकल आप बना रहे हो अगर तो बड़ा है तो आप लास्ट में लिख लो छोटा है तो कार्बन के ऊपर ये डॉट बनाओ और सी ओ टू आ जाएगा और जब दो सी एच थ्री सी एच थ्री रेडिकल आपस में मिलेंगे तो उनको एक एल्कीन मिल जाएगा तो आप देखिए सोडियम एस्टेट के अंदर सी एच थ्री सी ओ फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के सी एच थ्री है तो यहाँ पर वही चीज़ डबल हो गई है ठीक है तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है हाँ और एक और चीज़ अगर मान लो आपके माइंड में ये आता है कि हाँ ये टू कार्बन है यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन टू है यहाँ पर भी नंबर ऑफ कार्बन टू है तो रिएक्ट आप इस वर्डिंग चेंज कर देते हैं कि कॉल कॉल्बलेक्ट्रोलिस में तो हमें जितने नंबर वाला आप ये लोगे रिएक्टेड उतने नंबर वाला एल्केन मिलेगा ऐसा बात नहीं है क्योंकि देखो अगर आप सी एच थ्री सी एच टू सी ओ ओ एन ए लेते हो ठीक है तो एट लास्ट आपको क्या मिलेगा सी एच थ्री सी ओ ओ ओ ओ प्लस एन ए पॉजिटिव ये कैथोड पे जाकर एनोड पे जाकर सॉरी क्या करेगा सी एच थ्री सी एच टू सी ओ ओ रेडिकल प्लस इलेक्ट्रॉन बना देगा फिर सी एच थ्री सी एच टू सी ओ ओ रेडिकल आगे टूट कर क्या बना देगा सी एस थ्री सी एच टू रेडिकल प्लस सी ओ टू अब क्या हो सकता है कि ये वाला जो है खुद के साथ मिलकर सी एस थ्री सी एच टू रेडिकल प्लस सी एस थ्री सी एच टू रेडिकल आपस में मिलकर क्या बना दे वो कुछ ऐसा सी एस थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री बना सकते हैं ठीक है या ऐसा भी हो सकता है कि सी एच थ्री सी एच टू रेडिकल आगे फर्दर फिर सी एच थ्री रेडिकल में ब्रेक डाउन हो जाए तो और ये सी एच थ्री रेडिकल प्लस सी एच थ्री रेडिकल मिलकर सी एस थ्री सी एच थ्री बना दे तो ऐसा आपको नहीं करना कि जितने नंबर ऑफ कार्बन हैं जितने आपने नंबर ऑफ कार्बन लिया है बेसिकली उतने नहीं लास्ट में मिलते बस आपको ये देखना है कि एड ऑन करके एल्केन मिल रहा है कैसे मिल रहा है आपने जो आगे सी ओ के आगे जो लिखा हुआ है वही फर्दर आगे इलेक्ट्रोसिलसिसिस के बाद हमें वो प्रोडक्ट तो फॉर श्योर हमें मिलेगा लेकिन कहने का ये मतलब है कि सी ओ ओ के मत काउंट कीजिए क्योंकि सी ओ ओ तो एज ए सी ओ टू निकल जाएगा उसको आपने काउंट नहीं करना ठीक है तो ये थी हमारी कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन नेक्स्ट जो आज की रिएक्शन है आज और क्या रिएक्शन थी फ्रॉम बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम कार्बाइड एल्यूमिनियम कार्बाइड तो आपको पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम और बेरिलियम कार्बाइड क्या होते हैं बेरिलियम कार्बाइड होता है बी ई टू सी एंड एल्युमिनियम होता है ए एल फोर सी थ्री कार्बाइड तो यहाँ पर आप इनको फोर मोल्स ऑफ अगर इसको रिएक्ट करते हो तो आपको मिथेन मिलता है वन कार्बन है तो यहाँ पे मिथेन मिलेगा और टू बी ई ओ एच मिलेगा और यहाँ पर अगर आप रिएक्शन करते हो तो आपको फिर से मिथेन मिलेगा और फोर ए एल यहाँ पर ट्वेल्व यूज़ होंगे फोर ए एल ओ एच थ्राइज मिलेगा तो बेसिकली ये सब आज जो रिएक्शंस थी ये सारी हमने एल्केन्स की प्रिपरेशन कर ली है कर ली है एंड नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं कि क्या देखने को मिलता है ठीक है स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्लास के अंदर हम वैसे बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और प्रिपरेशन ऑफ एल्कीस आगे हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कीस एल्कींस की फिनिश हो चुकी हैं और प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस तो इनकी प्रिपरेशंस काफ़ी मिक्स हैं ठीक है मिक्सड हैं है. तो आपको काफ़ी ईजी होगा और साथ में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो करनी ही हैं ठीक है एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ Alkanes, alkenes, and alkynes. Thank you and have a nice day.